क्या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं? अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आता है ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तैयार हुई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वही रूटीन अपन लोग फॉलो करते करते सभी लोग बहुत बोर हो गए हैं, तो आज मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। क्या करें, अब इस टाइम को तो पास करना ही पड़ेगा। तो और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल डिनर, तो चलिए तैयारी करते हैं उसकी। तो सबसे पहले छोले मैंने इस कुकर में उबालने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। अब सीटी आने वाली है इसके, मैं बालों को बांध लेती हूँ। भटूरे बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स, 250 ग्राम्स मैदा, 2 उबले आलू ऑप्शनल है, नमक स्वाद अनुसार, 1 ग्लास पानी, 2 चम्मच सूजी पानी में भीगी हुई, आधा कटोरी दही, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टेबलस्पून खाने का सोडा। सबसे पहले आलू को मैं कद्दूकस कर लूँगी, ये पतली वाली किसनी है ना उसमें। अब मैं सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मिक्स कर लूँगी, जैसे मैदा, खाने का सोडा, शक्कर, नमक। उसके बाद गीले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। आज मैं खुद भी पहली बार आलू वाले भटूरे बना रही हूँ, तो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ये डो रेडी कर लिया था, क्योंकि इसको फर्मेंट होने में टाइम लगता है, इसीलिए सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है एक साथ और मिक्स अच्छे से करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आलू जब आप डालें इसमें मिक्स करें तो अच्छे से उसको बराबर मिलाइएगा, बस कहीं गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाले हैं। इसमें मुझे 2 आलू सूजी थे तो इसीलिए ज़्यादा का है, वैसे भी भटूरे में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो गीला गीला हो जाए। और 1-2 चम्मच करके मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाला है और इसको अच्छे से बाइंडिंग कर लिया है मैंने। और देखिए इतने से भी कम पानी लगा है मुझे, 2 से 3 चम्मच ही। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और ये चने मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, अब ये उबल के रेडी हो चुके हैं। अब मैं छोले बनाने की तैयारी करूँगी, तो मैं सारी चीज़ों को पहले रेडी कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसमें 3 बड़े प्याज दिए हैं, मतलब 2 बड़े प्याज दिए हैं, 1 छोटा मीडियम प्याज दिया है, 4 मिर्ची दी हैं और 4-5 लहसुन दिया है, और ये अदरक के इतने टुकड़े जितने आप देख रहे हैं, 2-3 टुकड़े मैंने इसमें काट के डाले हैं, फाइन पेस्ट फिर नहीं होता है। अब मैं आलू काट के, आलू को भी फ्राई करके अलग रख लूँगी। और इसमें तड़के में मैंने डाला है खड़ा जीरा, खड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, और ये पेस्ट ऐड कर दूँगी। एक्चुअली हमारे यहाँ आलू हर चीज़ में डलता है, क्योंकि बच्चे और ये नहीं खाते हैं इसीलिए। और प्याज ना जले उसके लिए मैं 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी और अच्छे से कंटिन्यू चलाऊँगी इसको। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 टमाटर और 1 बीटरूट, वो भी मिक्सी के जार में मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी बीट को किसी न किसी रूप में यूज़ करना ही चाहिए। अब सारे सूखे मसाले जैसे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने 5 मिनट पहले ही पानी में सोख करने के लिए रख दिया था, अब उसको ऐड कर दूँगी और हल्दी को भी ऐड करूँगी साथ ही साथ और कंटिन्यू चलाऊँगी। बीट रूट ऐड करने से क्या होता है कि आपको नेचुरल कलर भी मिल जाता है, आपको कोई फूड कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको और गूँथ लूँगी, अच्छे से मल के रख दूँगी डो को। तब तक अब मैं ऐड कर रही हूँ आलू और छोले।
अच्छा, छोले को जब मैं बॉईल करी थी उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, अब मैं वही पानी इसमें ऐड करूँगी। मैं अलग से छोले के लिए पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ ही उस पानी में काफ़ी मिनरल्स रहते हैं। और मैंने एक चम्मच छोले, उबले हुए छोले रख लिए थे, उसको मैश करके इसमें ऐड करूँगी तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे हेल्प करने के लिए, वो मेरा हेल्प कर रहे हैं। और इतने में 10-12 लोई हो गई है जो हमारे लिए सफिशिएंट है। वो बेल बेल के सेक के मुझे दे रहे हैं, मतलब फ्राई भी कर दे रहे हैं साथ ही साथ। अच्छा है ना, ऐसे दोनों मील बांट के काम करते रहते हैं तो इनका भी टाइम पास हो जा रहा है। घर बैठे वैसे भी हस्बैंड लोग बोर ही हो जा रहे हैं और इनको खाना बनाने का वैसे भी शौक है, तो मेरी मदद कर देते हैं तो मुझे तो और भी फ़ायदा हो जा रहा है। हम दोनों साथ में बातचीत भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी जो मैं घर में ही होममेड गरम मसाला रेडी करती हूँ, और लास्ट में मैं धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दूँगी। यकीन कीजिए इसका कलर बिल्कुल बाहर होटल में जैसे मिलता है वैसा आया है। अब मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने दही फेंट लिया है और मैंने कद्दूकस किया है खलबत्ते में धनिया और हरी मिर्ची, तो इससे टेस्ट रायते में बहुत अच्छा आता है। और मैं काला नमक और ऐसे प्लेन नमक इसमें ऐड कर दूँगी। दैट्स इट, ये बहुत टेस्टी और खाने में यम्मी था। अब मैं खीरे भी काट के सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। छोले भटूरे रेडी हो चुके हैं तो आप लोग भी खा लीजिए। आशुन अपनारा सबाई आशुन छोले भटूरे खेते। रायता, छोले भटूरे और सलाद, वेज थाली रेडी हो गई है, कितनी यम्मी लग रही है ना। तो अब सब खाना खाने बैठ गए हैं और बेटे को तो पहले ही भूख लग जा रही थी और मैं सबको परोस दे रही हूँ। सबने खाना शुरू कर दिया और सबने काफ़ी तारीफ़ की, ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। यकीन कीजिए छोले और भटूरे और रायता वाकई में बहुत टेस्टी था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बाकी तीनों कह रहे थे। तो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। एक दो भटूरे बच भी गए थे जिसको हमने नाश्ते में दूसरे दिन खाया। यकीन कीजिए वो वाकई में बहुत सॉफ्ट था, बिल्कुल भी कड़क नहीं हुए थे। जनरली भटूरे दूसरे दिन कड़क हो जाते हैं लेकिन ये नहीं हुए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।